नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। 6 जुलाई 2023 को बबीना थाने में एक महिला ने पुलिस को आप बीती सुनाते हुए बताया था कि उसके साथ सुकमा डुकमा के जंगल में सड़क किनारे चार लोगों ने उसे बंधक बनाकर लूट और छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने महिला से तहरीर लेकर उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया था तथा उसे कार्रवाई का आश्वासन देकर घर भेज दिया था। बबीना थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित महिला गुरुवार को पुलिस कप्तान झांसी की शरण में पहुंच गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित महिला ने बताया कि वह ललितपुर जनपद की कोतवाली तालबहट अंतर्गत पूरा कला थाना क्षेत्र के ग्राम कधारी कला में निवास करती है और उसका नाम सुनीता अहिरवार पत्नी रामबाबू अहिरवार है। उसने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका जमीनी विवाद गांव के ही एक दबंग व्यक्ति से चल रहा है। 5 जुलाई को दबंग व्यक्ति से उसके पति का झगड़ा हो गया था और दबंग ने उसके पति को पूरा कला थाने में बंद करा दिया था, जिसकी जमानत उसके पति ने करा ली थी। इस दौरान दबंग ने महिला को धमकी दी थी कि अब तेरा घर से निकलना मुश्किल कर दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। उसने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह 6 जुलाई को अपने गांव कंधारी कला से समूह की किस्त जमा करने के लिए पैदल बबीना आ रही थी कि तभी सुकमा डुकमा बांध का कच्चा पुल पार करने के बाद जैसे ही वह सड़क पर बबीना की ओर जा रही थी तभी उसके सामने से आ रहे चार नकाबपोशों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए जंगल में ले जाकर बंधक बना लिया तथा उसके 2000 रुपये छीन लिए और बुरी नीयत से उसके कपड़े फाड़ दिए, साथ ही उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। उसके चीखने चिल्लाने पर राहगीर उस तरफ दौड़े तो अज्ञात आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। बाद में राहगीरों द्वारा डायल 112 पर कॉल करके बबीना थाना पुलिस को सूचना दी गई। तब मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़िता को बबीना थाने लाकर मेडिकल कराया और पीड़िता से तहरीर लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि 6 जुलाई को उसके साथ घटित हुई वारदात में उसी के गांव के दबंग का हाथ हो सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने बताया कि उक्त मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता ने उक्त मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई की मांग की है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। सुनीता, आप किस बात को लेकर आएंगे अपन लेने? इस बात को लेकर आई कि मेरे पति के साथ 5 तारीख को सरवा महाराज ने पकड़वा दिया था थाने में। थाने पकड़वाने के बाद मैंने शाम के जमानत की पति को निकलवाया। मैं सुबह 6 तारीख को बबीना किस्त बनने आ रही थी कन्हारी कला से। सुकमा डुकमा की जंगल में मुझे 4 लोग आए, मुँह बांध कर मुझे घसीट के जंगल में ले गए। मेरे ऊपर पेट्रोल डाली, पेट्रोल डालने के बाद मेरे हाथ बांधे, मुझे गंदी हरकत की तो जान से मार के फेंक देगी। जब मैं खुद चिल्लानी, जब शोर मच गया तो आदमी मेरे पास आ रहा है, उनने मुझे बचाया जो दौड़ के भाग गए। सर, आपने थाने में रिपोर्ट की क्या? हाँ, 301 ये लड़का पीछे से आ रहा था, 101 से 112 लगाई पुलिस मौके पर पहुँची। बबीना थाने में रिपोर्ट की आपने? हाँ की। सर, थाने वालों ने क्या कहा? उन्हीं ने तो ये कह दिया कि सब अब नहीं बोलेंगे और अब तुम घर पे जाओ। आज आप एसपी ऑफिस में आश्वासन, क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने, क्या कहा? ये कहा कि हाँ हम करेंगे उनके साथ कानून कार्रवाई। जिन्होंने आपके साथ हरकत की वो क्या दमन किस्म के आदमी हैं क्या? बेमोबान थे, हेलमेट लगाए थे। आप उन्हें पहचानती नहीं? नहीं पहचानती हूँ, सिर्फ अवध शर्मा जी को पहचानती हूँ, उसी से मेरी रंजिश चल रही गाँव। इस खबर में बस इतना ही, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।